नमस्कार। जी सर। अच्छा, हम सुने हैं कि आपके बड़े भाई साहब राजपाल यादव आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो आप मीडिया को कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, आप मेरे दरवाजे पे आए। मेरा तो वो भाई स्टार है राजपाल यादव, आज ये हम धर्मपाल यादव। तो सर 21, 22, 25 बरस की उम्र होते होते वो स्टार हो गए सर। और जब वो जी स्टार हो गए, प्रकाष्ठा पे चले गए, अपने नाम को एकदम पूरे देश में फैला दिया, जी जी स्टार हो गए। उसके बाद हमको सर भगा दिए घर से। अच्छा अब देखिए मेरा हाल, स्टार के भाई ऐसे रहता है सर। हम अपने भाई से बहुत दुखी हैं। अगर अच्छा कहीं आपको कुछ मिले तो इस तरह का बात मेरे लिए। हम सुने हैं कि आपको शायद जायदाद से भी शायद बेदखल कर दिया गया आपका, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ सर, खेत तो मैंने उतना भर नहीं है था, जानवे करते हैं यादव जी का खेत कितना होता है, लेकिन तभी 6-7 बीघा था सर। और हड़प लिया सर, हमको भगा दिया है वो कम्बल और चादर देख। हम स्टेशन पर बहुत दिन बनारस में भीख मांग के सर हम रोजगार किए। अच्छा, तो मीडिया के थ्रू आप क्या बताना चाहते हैं राजपाल यादव जी को, पूरी दुनिया देश देखे? हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई किसी का नहीं होता सर। इतना बड़ा भाई हो के भी छोटे भाई के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करें, और हमको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरे लाइफ में सर। देर इज नो कंट्रीब्यूशन इन माई लाइफ ऑफ राजपाल। और मैं उसका यंगर ब्रदर, छोटा भाई हूँ सर। तो हम सुने कि आप शायद काफी पढ़े लिखे भी हैं और इंग्लिश से ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं, क्या यह बात सही है? जी हाँ, वो तो एक इंग्लिश का एक वरदान था, बाबूजी का फादर गिफ्ट, उन्हें सीख पाया, वो हिंदी सीख गया। हम कमेंट्री करके अपना नाम बनाया हूँ थोड़ा सा सर, और स्टेट लेवल का कमेंटेटर हैं अभी। अच्छा, आप स्टेट लेवल का कमेंटेटर जी हैं। सर, कोलकाता हरियाणा बनारस के लिए आवाज़ दे चुके तो हैं सर। ठीक है, धन्यवाद। आपकी बातों को मैं जरूर से जरूर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू।